तस्वीरें पानीपत के नेशनल हाईवे की हैं, जहां दिल्ली से आ रहे तीन ट्रक एक के बाद एक आपस में टकरा गए। हादसा इतना भयानक था कि तीनों ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे में एक युवक भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टी स्पून ढाबे के पास ये हादसा हुआ है, जहां हादसे में क्षतिग्रस्त ट्रकों को हाईवे से हटा दिया गया है और आगे की कार्यवाही जारी है। हमें सूचना मिली थी कि तीन ट्रक आपस में दिल्ली से पानीपत जाते वक्त टी स्पून ढाबे के पास में टकरा गए, जिसमें एक ट्रक चालक का जो ड्राइवर वो इंजर्ड हुआ था, उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया है और जिस भी चालक की उसमें लापरवाही मिलेगी उसके खिलाफ। जांच अधिकारी नरेंद्र मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि हाईवे पर तीन ट्रक दिल्ली से पानीपत जाते हुए आपस में टकरा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस सड़क हादसे में एक ट्रक चालक बुरी तरह से घायल हो गया है। पुलिस द्वारा घायल ट्रक चालक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। उन्होंने कहा कि जाँच के दौरान जिस भी ट्रक चालक की लापरवाही सामने आएगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।